दुकानदार की बर्बादी की कहानी की दौर, ये आपको मालूम है असल में, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं दोबारा से, मालूम जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको ओहो हाँ हो ऐसे ही हो रहा भाई। दुकानदार के पास जाओगे, थर्मस बोतल लेनी है, चप्पल लेनी है, जूता लेना है, पेन लेना है, कॉपी लेनी है, वो आपको जो सामान बोलेगा कि ये 900 रुपए का है या 1100 रुपए का है, आप फटाक से गूगल पर सर्च करो या अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर सर्च करो तो आपको वो ई ट्रेडिंग कंपनी की वेबसाइट के ऊपर सस्ता मिलेगा वही चीज। उसी कंपनी की रेडियो लेनी है, मोबाइल लेना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा कि ऑफलाइन सस्ता मिलेगा? ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। उसका वो कारण क्या बताते हैं कि वहां हम कंपनी से सीधा ले आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर जींद में मुझे कोई ऑर्डर करना है तो कंपनी की सेटिंग है जींद के ही दुकानदार के साथ, जींद के दुकान, जैसे ही मैं ऑर्डर लिखूंगा कि मुझे जींद में ये मोबाइल चाहिए, फटाक से वो सर्च करेंगे कि जींद के कितने डीलरों के साथ हमारी सेटिंग है, उतने डीलरों के पास मैसेज चला जाएगा एक क्लिक से, उनमें से जो सबसे पहले जवाब दे देगा कि ये इतने रुपए का है, फिर दूसरा देगा इतने रुपए का दूंगा मैं, तीसरा देगा इतने रुपए का, तो वो कंपनी अपने आप मालिक को मैसेज चला जाएगा इतने रुपए का मोबाइल है, 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। आपने जैसे ही पैसा दिया, डिलीवरी उधर से डन हुई, दुकानदार पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, गांव के गांव, शहर के शहर में, मतलब जींद के जींद में डिलीवरी अगले दिन आ जाएगी आपकी, वो गांव इसी शहर का दुकानदार। अब उसी दुकानदार के पास जाओ आप वही मोबाइल लेने के लिए, आपको 200 रुपए महंगा देगा। एक तो टाइम खराब करा, मोटरसाइकिल या गाड़ी उठा के उसके दुकान पे गए, वो खर्चा हुआ अलग से, और फिर भी महंगा मिला, ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो कंपनी है जिसको हम सो कॉल्ड कंपनी, ऑनलाइन कंपनी कहते हैं, उस कंपनी को भारत सरकार ने बिजनेस करने के लिए और भारत के साथ साथ स्टेट की सरकार ने बिजनेस करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दे रखा है। तो वो अगर हर चीज पे 500 रुपए भी अगर कम दे देगी या 200 रुपए 100 रुपए कम दे देगी, मुझे लगता है उसको कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ने वाला है क्या? अब मान लो वो आपको दिवाली पर, नए साल पर, बैसाखी पर, दशहरे पर, हर किसी नए इवेंट पर यदि वो आपको कह दे बम्पर बोनांजा, सेल का बाप, बाप की सेल, कुछ भी चालू कर दे वो, मतलब कुछ भी कह करके वो सेल 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 करके आपके घर पे चिट्ठी आए, पैम्फलेट आए, अखबार में भी आए, फिर मोबाइल में भी आने लग जाए, फिर आपका हर टाइम दिखाए, न्यूज़ सोचो यार सस्ती मिलने लग रही ले ही लो, इतनी सस्ती मिल रही ले ही लो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप उस सामान को जब ऑनलाइन ट्राई करते हो, दुकानदार से चीनी महंगी, ऑनलाइन सस्ती, आपने क्लिक किया, ऑर्डर उसी दुकानदार के पास आएगा, आपका पड़ोस वाले दुकानदार के पास, वो पड़ोस वाला दुकानदार आपके घर देके आएगा, अचरज मान जाएंगे कि यार मैं जब लेने गया था जब तो महंगी देवे था, तो उन्हें क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट है ना बाकी का, ये कंपनी दे रही है मेरे को जो ऑनलाइन वाली है। अभी आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ दिनों से सरकार ने एक पूरा मिशन चलाया हुआ है जबरदस्त वाला, कि आपके रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकानदार, कचरे वाले, आपके घर में सर्विस देने वाले जो भी दुकानदार है, छोटा हो बड़ा हो, उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग। मालूम है आपको, किस किस को मालूम है ये बात कि वो कर रहे हैं? जिस जिस जो भी दुकानदारों से आप डील करते हो सबको मालूम है कि वो आपके छोटे से छोटे दुकानदार की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार रिलायंस के साथ डील करने से मना कर रहा है तो वो उसको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे। जो रिटेल में आ गया ना रिलायंस, रिटेल का मतलब है कि आपके घर का ब्रेड का पैकेट भी आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा, देगा वही दुकानदार पड़ोस वाला ही, लेकिन वो आपको कैश देगा तो महंगा देगा और ऑनलाइन लोगे तो सस्ता देगा वही दुकानदार। समझ रहे हैं पहला खेल या नहीं समझ में आया बात आपको? अब मान लीजिए आपको धीरे धीरे साल में, 2 साल में, 5 साल में आदत पड़ गई ये सोचने की कि ऑनलाइन सस्ता आता है, और आपका पड़ोसी दुकानदार को 5 साल में पता लग गया ना दुकान का किराया निकलता, ना कोई काम होता, ना कोई प्रॉफिट होता, ऐसी तैसी सरकारों ने, कंपनियों ने कर रखी है, ना कंपनी कोई प्रॉफिट देती, इस तपट या तो दुकान सरेंडर कर दिया, वो रिलायंस को ही सरेंडर कर देगा। ठीक जी, आपकी दुकान का रिटेल हो गया, फिर स्टोर बन जाएगा हर हित स्टोर, सुना किसी ने नाम हर हित स्टोर? ये यही है, आपको वो ब्रांडेड आइटम, अभी आपको क्या कह रहे हैं खच्चर साहब, सॉरी खट्टर साहब, के भाई चमड़े की जबान फिसल जाती कई बार, वो आपको क्या कहते हैं कि हम आपके लोकल बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए हर हित स्टोर खोल रहे हैं, लेकिन असल में तो प्रोडक्ट्स कंपनी के बिक रहे हैं और प्रॉफिट तो कंपनी को जा रहा है। जो बच्चा उसको खोल रहा है उसको तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, बड़ा प्रॉफिट उसको तो परसेंटेज मिलता है काम करने की दिहाड़ी का, जैसे कि बड़े बड़े स्टोरों पे मिलता है। एनी हाउ, अब आपके पास बड़े स्टोर उनके हो गए, छोटे स्टोर उनके हो गए, सप्लाई चेन के लिए इन्होंने यहां झज्जर के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने,
ये बताना जरूरी है, कदे किसी का नूला के भाई मैं मौजूदा सरकार का ही खिलाफत कर रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12,000 एकड़ जमीन जबरदस्ती किसानों से लेकर के अमेजन के और फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े वेयरहाउस बना रखे हैं, जहां बड़े बड़े ट्रकों से लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है। आपने अगर देखा हो तो एमईटी रिलायंस अल्ले यो ही चल रहा है। इतने बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है वहां कि आपको पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई चेन का काम वहां ट्रक से चलेगा, यानी वहां ट्रक भरेगा और खाली होता होता जाएगा। उसके लिए बड़े बड़े हाईवेज बना दिए एलिवेटेड, जिस पर किसान की गाड़ी नहीं जा सकती, किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता, किसान की बुग्गी नहीं जा सकती, उसका साइकिल नहीं जा सकता, उसकी मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। पता होगा ना, 152D एक एग्जाम्पल है आपके नजदीक में सबसे बढ़िया। वहां किसान का कोई भी साधन नहीं जा सकता, केवल अमीर लोगों के लिए, वो बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए। वो जो इतने बड़े बड़े वो बनाए हैं ना घुमाने, जब हम घूमते हैं मोड़, कभी छोटे नहीं है ना मोड़, हमारी गाड़ियों को इतना लंबा मोड़ चाहिए क्या? लेकिन अगर वो इतना लंबा ट्रक हो वहां से वहां तक, उनको चाहिए वो इतना बड़ा मोड़। वो आएंगे अभी, वो जिस दिन दिखने लगे उस दिन कहना हो तेरे की कद बता दिया था। और मैं तो कई साल तक कहने लग रहा हूं कि वो आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। धरती का सीना पाट कर आएंगे। और वो अब कंटेनर हो गए। अगर जहां पर रोड की सुविधा नहीं है, उसके लिए जो ट्रेन का ट्रैक पैरेलल में था, उसके जो पहले था उसके पैरेलल में ही एक एलिवेटेड ट्रैक भी बन रहा है, जहां अगर आप बैठ जाओ, आपका गांव अगर उसके नजदीक हो, किसी का गांव अगर ऐसी किसी ट्रैक के नजदीक हो, तो आप वहां पूरा दिन अगर ट्रेनों की संख्या देखोगे तो 10 में से 9 ट्रेन केवल और केवल कंटेनर्स की होती है, और डबल कंटेनर्स की होती है, डबल, एक कंटेनर पर दूसरा कंटेनर, जो बड़े बड़े पोर्ट से आते हैं। किसी का है नजदीक में घर गांव, किसी का देखता हो ऐसा होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अडानी अडानी अडानी, सारी ट्रेन उस पर अडानी की चल रही है। यानी कि ये जो डायमंड बनाया था, चतुर्भुज बनाया था ना, एक पूरे स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अटल बिहारी वाजपेयी का प्लान था पूरे इंडिया को ऐसे जोड़ते हुए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ऊपर तो चालू होगा न्यून 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 और न्यून पूरा, ये चारों सिरे कौन से हैं? ऊपर जे एंड के से चल करके इधर गुजरात का पोर्ट, इधर पश्चिमी बंगाल का पोर्ट, इधर नीचे कन्याकुमारी का पोर्ट, और वो सारा पूरा इंडिया क्रॉस करते हुए, यानी के ऐसे क्वाड्रिलेटरल में है, पूरे भारत को डिवाइड करते हुए एलिवेटेड हाईवेज का पूरा जाल बिछरा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां भी हम जा रहे हैं पूरे भारत में, हर स्टेट को ऐसे काटा जा रहा है। मतलब रोड ही रोड, रोड ही रोड, केवल केवल एलिवेटेड रोड, छोटे रोडों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रहा है, और ये सारा का सारा गेम सिर्फ लॉकडाउन में चालू हुआ है। इसके लिए आपने पैसा दिया क्या? आपसे परमिशन ली क्या? आपको इसकी जरूरत है क्या? अगर जिस व्यवस्था की जनता सरकार मोर्चा बात करता है, उस व्यवस्था में रोड की जरूरत नहीं है, सीमेंट की जरूरत नहीं है, उस व्यवस्था के अंदर हमको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो प्रदूषण फैलाती है। और ये सीमेंटेड हाईवेज जो बन रहे हैं, कोल तार का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं, खेत के खेत बर्बाद हो रहे हैं, जबरदस्ती लैंड एक्विजिशन करके किसानों को दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि आपके पास जमीनें बचने वाली हैं? आपके जींद और कैथल के एरिया में, आप ही के गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने खेतों के अंदर 30-30 फुट के खड्डे बनवा लिए माटी बेच बेच के। देखिए आपने किसी के गांव में है ना, अब वहां कोई फसल होने वाले की गुंजाइश नहीं है। उनको यह लगता था कि हम तो पहले से ही लोन पे थे, बर्बाद तो होने ही थे, जमीन तो जानी थी, माटी बेच कर और 2-4 साल काट लें, 2-4 साल नहीं निकला करते। बिना मेहनत का पैसा जब आएगा वो ऐसे ही निकल के जाएगा, सब कुछ साथ लेके जाएगा, परिवार को भी लेके जाएगा, सारी सुख चैन को भी लेके जाएगा, भाईचारे को भी लेके जाएगा, वो लेके जाएगा ही जाएगा। तो यो दुकानदारों का खेल है जी, मिस्त्रियों का खेल था, दुकानदार बच जाएंगे कैसे? किसी भी हालत में बचने वाले नहीं है। आपका बिजनेस यदि इनके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करता, इनका प्रोपेगेंडा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, दवाई, फार्मा, फार्मा तो दवाई हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फार्मा हो गया, और फूड, ये चार बिजनेस हैं जो सिर्फ चलेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बर्बाद होना तय है।